सलीम का मुंह तो रंजना ने जाते ही बंद कर दिया था। ये सेठ और उसका बेटा सनी कम नहीं? अगर उनकी पहुंच और राजा की पढ़ाई लिखाई रंग ले आई तो हमें राजा के बाप के हाथ का पूरा 1,00,000 का मुआवजा देना होगा। नहीं सेठ, कर तो नहीं जाएगा। आज तक तो उसने किसी को कुछ दिया नहीं। फिर तो मैं भी पढ़ ले जाऊंगा। मुनीम जी, आप कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे मिलकर काम भी बनना हो और हमें उन्हें पैसे भी ना देने पड़े। मम्मी बस आती होंगी। कोई बात नहीं। सब यहाँ है, बधाई हो। नमस्कार जी। बधाई तो हम आपको देने आए सब मिलकर। बैठो बैठो बैठो। आंटी जी, ये सब आप ही के आशीर्वाद और मेहनत का नतीजा है, वरना हमको तो ये भी नहीं पता था कि क्या और कैसे करना है। भाई इस केस की सफलता के हकदार तो तुम दोनों, तुम्हारा हौसला और तुम्हारी बुलंदी और रंजना की कानून की पढ़ाई सब इसमें शामिल है। अब तुम दोनों के रहने से दिन मजदूरों को तो इंसाफ मिलेगा ही। मगर एक बात की मुझे बहुत खुशी है, तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी गीता के साथ जो प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चलाया ना, उसका बड़ा फायदा होगा। हम बच्चों की साक्षरता के साथ उनके माँ बाप भी साक्षर हो जाएंगे, और जब माँ बाप में साक्षरता बढ़ेगी तो बच्चों को तो अपने आप फायदा होगा। अब देखो ना, जहाँ आज स्कूल में 10 बच्चे जाते हैं, वहाँ माँ बाप के साक्षर हो जाने से 50 बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। अच्छा एक बात और राजा, कल से तुम मिल जाने लगोगे, उस मुनीम के बच्चे पर पूरी नजर रखना। ये सारा किया धरा उसी का है, डैडी ने उसे शुरू से ही सर पर चढ़ा रखा है। कुछ दिन जाने दो राजा, मैं मिल का सारा काम अपने हाथ में लेने की कोशिश करूंगी। हाँ मेरा भाई है सनी, बहुत गुस्सैल है, उसके मुंह मत लगना तुम, उससे दूर ही रहना। डैडी के लाड प्यार ने उसको बिगाड़ कर रखा है, इसलिए वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाया। तू चिंता मत कर रंजना, हम सबके साथ साथ उसे भी साक्षर बना देंगे, और फिर देखना कैसे होता है तुम्हारी मिल का विस्तार। अच्छा मैं चलता हूँ, जाकर कल के लिए इंस्ट्रक्शन देनी है मजदूरों को। अरे रुको, चाय तो पी दे जाओ। नहीं नहीं, चाय मैं नहीं पीऊंगा, मजदूरों के साथ जाकर खाना खाऊंगा। जी अरे चाय लाना। जी ला रही हूँ। अब टकरे मत कर, बस एक ही लूंगी। अब एक ही बिस्किट क्यों लोगी, तुम्हें हिसाब थोड़ी देना है। हाँ हिसाब से मुझे एक बात याद आई, मजदूरों को जितनी तनख्वाह मिलती है उसका 10% हमें जमा करवा देना चाहिए, ताकि कल को कोई शादी है, ब्याह है, तकलीफ है, बीमारी है, बच्चों के स्कूल की किताबें हैं, ये सब उस जमा राशि से आ सकता है, और उतना ही पैसा हम अपनी तरफ से जमा कर दिया करेंगे। मैं ये सोचती हूँ मजदूरों के ऊपर जितना खर्चे का बोझ कम होगा उतना ही प्रौढ़ शिक्षा में उत्साह बढ़ेगा। मैं भी कोशिश करूंगी कि बस्ती वालों को सरकार की तरफ से जितनी ज्यादा भी मदद मिल सकती है ना, उतनी मदद दिलवाएगी। नौकरी का दिन मुबारक हो। तुम्हारा पूरा नाम क्या लिखूं? राजा मुनीम जी। राजा कल्लू। हम ना हम जी राजा को मिल में अंदर ले जाओ। अच्छा मुनीम जी जाओ बेटा जाओ। दिनों में तुम सारा काम सीख जाओगे, पढ़े लिखे हो इसलिए धीरे धीरे मजदूरों से काम लेना सीख जाओगे। मेरा मतलब है सुपरविजन का काम तुम ही करोगे। अच्छा मुनीम जी ये बताइए कि जिस मशीन पे मेरे बाबा का हाथ आया था वो मशीन कौन सी है? यही तो है। अरे भाई तेरे बाबा ने उम्र भर इसी मशीन पे काम किया है, अब तू इसे संभाल भाई। कहते हैं ना कि जिस काम को बुजुर्ग अधूरा छोड़ गए
बच्चे से पूरा करते हैं। कल्लू ना, हम लोग भी। तू इसे काम समझा, मैं उधर देखता हूँ। अच्छा मुनीम जी, चल जल्दी कर। अच्छा अच्छा राजा बेटा, तेरे बाबा ने इस मशीन पर सारी जिंदगी पसीना बहाया था। कौन जानता था कि एक मशीन एक दिन उसका खून मांग लेगी। बहुत मेहनत का बेचारा, 20-20 घंटे इस मशीन पर काम करता था, 20-20 घंटे। और उसके बदले में हमको क्या मिला कल्लू चाचा? गरीबी, भुखमरी। बहुत हिम्मत वाला था वो। देखो जैसे तैसे करके तुमको पढ़ा लिखा तो दिया उसने। हाँ हाँ बेटी चाचा, मेरे बाबा से जितना हो सका उन्होंने हमारे लिए किया। अब मेरे से जितना हो सकेगा ना, मैं सुख दूंगा अपने बाबा को। मैं दूंगा। हाँ बेटा, मैं सुख दूंगा अपने बाबा को। अरे सेठ जी, मैंने नन्नू के बेटे को नन्नू ही वाली मशीन पर लगा दिया है ताकि वो जिंदगी भर उसी पे चक्का चलाता रहे। बहुत अच्छा किया मुनीम जी, तुम ऐसे ही चक्कर चलाते रहो और इनको ऐसे ही उल्लू बनाते रहो। सेठ जी, मैंने आपका नमक खाया नहीं। अरे कल्लू चाचा, एक बात बताइए, आप यहाँ काम कितने घंटे करते हैं? बेटा यहाँ काम घंटों के हिसाब से नहीं होता है। नहीं होता है बेटा। अरे चाची, क्या हाल है, काम कैसे चल रहा है? हाँ बेटा, बस काम कर रहे हैं। अरे शुक्र है हमारा हाल पूछने वाला कोई तो हुआ, वरना आज तक तो सेठ जी की डांट ही खाते रहते हैं बेटा। चाची अब तुम्हें कोई नहीं डांटेगा, बस मन लगाकर काम करो अपना, ठीक है? काम करो। और बहना, काम कैसे चल रहा है? सब ठीक चल रहा है भैया, मगर अब कुछ पता नहीं हमें कि कब कौन किस वक्त हमें आकर यहाँ डांट दे। तुम्हें कौन डांटता है भाई? सभी डांटते हैं भैया। अब मुनीम जी को ही ले लो, वो आते हैं और हमें कहते हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और सनी आकर कहता है तुम कोई काम नहीं करती हो, और कभी कभी सनी का दोस्त शक्ति आकर कहता है जल्दी जल्दी काम करो, ये नहीं हो रहा, काम टाइम पर नहीं हो रहा। अब आप भी बताइए भैया, हम क्या करें? कोई बात नहीं, अब तुम पर कोई हुक्म नहीं चलाएगा। अब तुम्हारे काम की देखरेख मैं करूंगा और सेठ जी को जवाब भी मैं दूंगा, ठीक है? काम करो। अब छोटू चाचा कैसे हो? आओ बेटा राजा, बस वक्त को धक्का दे रहे। भाई इसमें वक्त को धक्का देने वाली कौन सी बात हो गई? काम कर रहे हो, मन लगा कर काम करो, और क्या। मन लगा कर काम तो तब करें ना राजा, जब वक्त पर पैसा मिले। यहाँ तो ये भी नहीं पता कब पैसा मिलेगा और कितना मिलेगा, और मुनीम की कैची कब चल जाए। मिर्जी चाचा, अब मैं यहाँ पर किसी की भी कोई भी कैची नहीं देने दूंगा। आप लोग काम की और पैसे किसी भी बात में, तो मजा आ जाएगा। मर गए हम लोग यहाँ एड़िया रगड़ते रगड़ते, किसी ने हमारी कुछ सुनते नहीं। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था कि तुम शहर जाओगे, पढ़ लिख कर आओगे और हमारा उद्धार करोगे। राजा बेटा, खाने का समय हो गया, चलो खाना खाने चलते हैं। हाँ, भूख लगी क्या? अरे चाचा बहुत जोर से भूख लगी है, चलिए। अरे चाची, चलो बहना, चलो खाना खाओ, आओ। चलो आ जाओ सब लोग, आ जाओ आ जाओ। हाँ खाइए खाइए, वाह क्या खाना है,
सूखी रोटी, ये सूखा हुआ प्यार। क्या खाना खाते हैं आप? कब तक, आखिर कब तक खाते रहेंगे ऐसा खाना? ये सूखी रोटियां कब तक खाते रहेंगे आप लोग? अगर अगर वाकई में आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, इस गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्लीज प्लीज इस मेहनत मजदूरी के साथ साथ पढ़ाई लिखाई करना सीखे, पढ़ना सीखे, पढ़ना। आज आज से नहीं बल्कि अभी से यह कसम खाए कि आज से हर रोज छुट्टी के बाद हर आदमी दो दो घंटा पढ़ाई करेगा। राजा बेटा, छुट्टी का कोई टाइम तो होना चाहिए ना, तभी तो हम लोग पढ़े। हाँ राजा भैया, आधी रात को घर जाके किस समय पढ़ेंगे? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से बात करता हूँ और तुम लोगों की छुट्टी का टाइम फिक्स करने के लिए कहूंगा। लो बेटा, थैंक यू। खाना हवा महल से मंगाया हुजूर आज। डैडी खाना अच्छा है। बेटा फोन करके कुछ मंगा लो। नहीं डैडी, हम लोग बाहर ही खाना खाने। हाँ अंकल, बाहर खाएं खाना। इसे कहते हैं बड़े बाप का बेटा, खाना सुनकर ही पहचान लिया कि कैसा है। डाल यार, डाल यार, डाल। दिन तो मजा आ गया था यार। याद है जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे और तुमने मुझे काजल को किस करने को कहा? अरे यार, तेरे कहने में आकर अगर मैंने उस दिन काजल को किस ना किया होता, मेरी पढ़ाई कभी ना छूटती, फंसा रहता मैं उन मास्टरों के चक्कर में। और सही पूछना यार, वो क्या कहते हैं यार बीमारी को, यार अरे यार वो बीमारी की एप्लीकेशन, वो भी मेरे को लिखने नहीं आती है, पता है यार मैं क्या स्कूल। बीमारी की एप्लीकेशन लिखने नहीं आती तो क्या हुआ, लव लेटर तो लिखना आता होगा। नहीं यार नहीं, वो लव आपके चक्कर में मैं नहीं पड़ता। 320 लड़कियां आई होगी मेरे चक्कर में, लेकिन मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ता यार, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ता। अपना तो एक ही असूल है, ऐश करो, मौज करो और दबा के खाओ। तक मेरे डैडी है ना, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं, मालूम? कुछ भी खाऊं, कितना भी खर्च करूं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। आई लव माय डैडी। डैडी तो तेरे अच्छे हैं ही है सनी, लेकिन बात रोज मुनीम जी की, इनके वैसे तू राज कर रहा है राज। मजदूरों के हिसाब किताब में तो वो रगड़ा लगाती हैं। मेरी खातिर, सिर्फ तेरी खातिर, डैडी को भी रगड़ा लगाते हैं और कहते हैं सेठ जी मैंने आपका नमक खाया दिल नहीं। चले यार, चले चले यार। अरे यार खाना तो मंगा, चल का खाना। अरे यार इस होटल का खाना तो मेरे कुत्ते भी नहीं खाते, चल बाहर कुछ चल के खाएंगे। चल Thank you.
हमसे तो ये कुत्ता अच्छा है। हम लोग दिन रात मेहनत करते, क्या मिलता हम लोगों को? दो सूखी रोटी। देखो इसे, इसकी बुढ़ी हड्डियां कह रही है कि अब तो हमारा पीछा छोड़ो। हेलो चाचा, ये बाकी के मजदूर कहाँ हैं? आए क्यों नहीं अब तक? अरे राजा बेटा, मैंने तुझे बताया था ना, यहाँ टाइम का कोई हिसाब नहीं है। अरे ओवर टाइम कभी मिले या ना मिले, इसका भी कोई हिसाब नहीं है। हाँ तो कमाल हो गया, ये कमाल हो गया, ये तो ये सरासर ना जाए। क्या बात है राजा बेटे, क्या ना जायज और क्या जायज हो रहा? सर जी, मैं आपके बच्चे की तरह, अगर कोई गलती हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी आपसे एक अर्ज है, कल से आप हर मजदूर की प्रोडक्शन फिक्स कर दें। छुट्टी के समय के अंदर ही हर मजदूर अपनी प्रोडक्शन खत्म करेगा, और जब तक प्रोडक्शन खत्म नहीं हो जाएगी कोई भी मजदूर छुट्टी नहीं करेगा, और प्रोडक्शन पूरी होने के बाद कोई भी मजदूर एक मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रुकेगा, सबके सब मजदूर एक साथ छुट्टी करेंगे। मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी बेटे, मुझे कोई एतराज नहीं, मेरा तो काम वक्त पे पूरा होना चाहिए। सर से जैसे तुम चाहो, जो चाहो, सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। सर जी मेरी एक अर्ज और है आपसे, मिल में जितने मजदूर आज काम कर रहे हैं उन सबकी छुट्टी कर दीजिए, हम सब लोग साथ में घर जाना चाहते हैं। ठीक है, सबको बुला लो और छुट्टी कर दो। ये राजा भैया के कारण है जो टाइम से घर पे आ गए और गरम गरम खाना खाने को मिल रहा है, वरना तो लो तुम भी खा लो। ले बेटा खा ले, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग साथ खाना खा रहे हैं। ये सब कुछ राजा की वजह से हुआ है, भगवान राजा को लंबी उम्र दे। ठीक कहते हो जी। भैया सारी बस्ती वाले तुम्हारे ही गुण गा रहे हैं। आज मैं बिरजू चाचा के घर गई थी तो चाची कह रही थी राजा ने इस बस्ती को स्वर्ग बना डाला, और चाचा कह रहे थे कि बरसों से इस मिल में जो कायदे कानून नहीं बने वो राजा ने एक दिन में ही बना डाले। अब ज्यादा तारीफ मत करो और पानी डाल चल। बेटे जब तू पैदा हुआ था ना तो तेरी माँ ने तभी कह दिया था कि ये लड़का बड़ा किस्मत वाला है, एक दिन हम सबके सपने पूरे करेगा। तो हमारे सपने तो क्या, तूने तो पूरी बस्ती के सपने पूरे कर दिए। अरे बेटा किसका है, मेरा ही तो है ना। अच्छा तुमने तो इसे इतनी दूर मुझसे शहर भेज दिया था। कैसे बातें करती हो माँ, अगर बाबा भैया को शहर पढ़ने ना भेजते तो भैया बस्ती के लोगों को पढ़ाने की कैसे सोचते? हाँ कृष्णा की माँ, कृष्णा ठीक कह रही है। अरे आज तो सब अपने अपने बच्चे और बीवियों के साथ बड़ी मुसरत के बाद राजा बेटा हमें नहीं पढ़ाओगे? हाँ राजा, बस्ती के सारे मजदूर तुमसे पढ़ने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ बेटा हमें पढ़ाओ ना। हाँ पढ़ाओ ना बेटे। अब आओ खाम खा मेरी जरा तारीफ ना करे तो जरा अच्छा। चलिए मैं सबको पढ़ाऊंगा आपसे। हाँ जी चलो भाई, चलो आ जाओ। हम भी आ रहे हैं राजा बेटा। नींद की गोलियां खाने के बगैर ही आज मुझे रात को नींद आ जाएगी। आज राजा ने पहले ही दिन मिल में आकर इतना अच्छा कदम उठाया तो जितना कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो सीधा मेरे पास आया और बोला, सेठ जी मैं आपके बच्चे के बराबर हूँ, मेरी बात का बुरा नहीं मानते, आज से सारे मजदूर इकट्ठे आएंगे और इकट्ठे जाएंगे, वो भी आपकी प्रोडक्शन पूरी करने के बाद। प्रोडक्शन वाली बात तो मेरे दिमाग में कभी आई नहीं, और ना ही मुनीम जी ने कभी ये सुझाव दिया। इसका मतलब ये हुआ बेटी तू सही कहती थी कि पढ़ाई लिखाई का इंसान के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ डैडी, देखा आपने, मजदूरों को थोड़ी सी ही खुशी और थोड़ा सा ही हक देने से उनमें उनमें काम करने का उत्साह कितना बढ़ जाता है। बड़ी आई उत्साह वाली, बड़ी कानून वाली। अरे हमने उनका इतना भी उत्साह नहीं बढ़ाना कल वो हमारे ऊपर हावी हो जाए। यही होता है अनपढ़ और पढ़े लिखे में फर्क। मैंने कितना कहा तुझसे कि पढ़ ले, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। बस बंद कर,
देखा डैडी, इसे बोल दे मेरा मुंडा लगा करे। अगर वो अनपढ़ है तुम तो पढ़ी लिखी हो ना। देखो पढ़े लिखे राजा को इतना समझा के रखना तो प्रोडक्शन कम ना होने पाए। और तू जो करती है मजदूरों की हक की बात वो मैं अपने आप ही दे दूंगा। That's it, Daddy, that's it. यही मेरी थ्योरी है। Daddy, जितना प्यार आप सनी को करते हैं अगर उतना ही प्यार आप अपने मजदूरों को करें तो हमारी मिल दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करेगी। शायद आप जानते नहीं कि हम लोग इतना स्वादिष्ट भोजन करने के बावजूद रात में नींद की गोलियां खाकर सोते हैं और हमारे मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात खटते हैं और रात में सूखी रोटियों के निवाले निकलते हैं। आज से नींद की गोली खाना बंद और मजदूरों की मजदूरी का नशा चालू। बेटी हमें तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए प्रॉफिट। अगर मजदूर हमें ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं तो हमें उनका हक देने में कोई परेशानी नहीं। हाँ डैडी, आप अपनी इसी बात पर डटे रहना, चालबाज मुनीम और शक्ति के बहकावे में मत आ जाना। नहीं ऐसा ना हो कि हमारी मिल को दोबारा ताला लग जाए। ना, ऐसा मत करो। चार दिन ताला लगने से मैं लाखों का नुकसान भुगत चुका हूँ। ननू जी के हाथ का मुआवजा 1,00,000 रुपया कब देंगे? दे दूंगा बेटी, जल्दी दे दूंगा। दे दीजिएगा डैडी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मिल में दोबारा हड़ताल हो जाए। क्या है डैडी? तुम भी आइए तो पागल हो गई है। आया बेटे। अच्छा बेटे, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मुझे तो बहती धारा का रुख मोड़ना है। ओ राम, अरे भगवान बचा ले मुझे, ये बुखार का। अरे भैया तुम्हें बुलाए मम्मी मेरा क्या, जब दिलाएगा काम करेगा, जब दिलाएगा बैठ जाएगा। हैं छोटे जा, बुखार चढ़ा हुआ है इसलिए 5 मिनट के लिए बाहर आके बैठ गया था। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं प्रोडक्शन शाम तक जरूर पूरा कर दूंगा। प्रोडक्शन 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 क्या हुआ बताओ, पूरी बात बताओ मुझे क्या हुआ। मैं तुझे बताता हूँ क्या हुआ। तू इनका बड़ा नेता बना फिरता है ना, तो समझा दे इनको कि अगर आज के बाद मुझे कोई ड्यूटी टाइम में बैठा हुआ मिला तो उसकी मैं ऐसे की तैसे कर दूंगा। ऐसी की तैसी तो अब हम तेरी करेंगे। सुन तो, ओए किससे लकड़ रहा तू? अरे क्या हुआ छोटे सरकार, ये सब क्या हो रहा है? डैडी ये कहां का काम करने का ढंग है? हाँ कोई कहीं बैठा था कोई कहीं, ये काम हो रहा है क्या? क्या बात है बेटे राजा, ये मैं क्या सुनूं? सेठ जी अगर सुनना ही है तो इस बुजुर्ग के मुंह से सुनिए। देखिए देखिए सर, ये देखिए सर खड़ा नहीं हो जा रहा है, बीमार होने के बावजूद ये आपका काम पूरा कर रहा है। और अगर 2 मिनट बैठ गया तो कौन सी आफत टूट पड़ी, इसकी जान लेंगे तो? जान लगी इसकी। सर जी प्रोडक्शन फिक्स करने का मतलब क्या होता है? मतलब तो मैं तुझे समझाऊंगा बच्चे, मैं तुझे समझाऊंगा मतलब। अरे अरे बच्चा है जल्दी गुस्सा कर लेता है। चलो सब तुम काम पे जाओ, चलो चलो। मुनीम जी काम तो अब बंद हो चुका है, ये काम अब तभी चालू होगा जब आप हम सब मजदूरों का बकाया चुका देंगे। और सेठ जी का बेटा सनी मजदूर कल्लू से माफी मांगेगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया राजा, कल्लू मजदूर से माफी मांगेगा, वो भी सेठ करोड़ी मल का बेटा सनी। हाँ हाँ सेठ करोड़ी मल का बेटा सनी
अभी और इसी वक्त कल्लू चाचा से माफी मांगेगा। क्यों मुनीम जी, इतनी जल्दी भूल गए क्या मजदूरों की ताकत? अभी कल ही मिल का ताला खुला है, आज फिर ताला लगवाना चाहते हो क्या? राजा ठीक कहता है, सन्नी माफी मांगेगा नहीं तो हम काम नहीं होने देंगे। सुनो मेरी बात सुनो, काम बंद करने की कोई जरूरत नहीं, आपके पिछले पैसे आज मिल जाएंगे, जाओ सब अपने अपने काम पर जाओ। सेठ जी पैसे तो हम बाद में भी ले लेंगे, पहले सनी को कल्लू चाचा से माफी मांगो। हाँ माफी मांगनी पड़ेगी। शांत शांत हो जाइए, सनी अगर मेरा बेटा है तो वो आप लोगों का भी बेटा है, बड़े तो हमेशा बच्चों को माफ करते आए हैं, आप भी उसे माफ कर दीजिए, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। डैडी आपके उसे माफी मांगेंगे, आप भी मिलकर मजदूरों से माफी मांगेंगे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप ही तो मांगनी पड़ेगी आपको, मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। अगर तुम मेरे बेटे हो तो एक बात मेरी मान लो, कल्लू बुजुर्ग है, बुजुर्गों के पांव छूने में कोई शर्म नहीं। अरे छोटे सरकार, मैंने आपका नमक खाया है गुड़ नहीं, सेठ जी कह रहे हैं तो मान लीजिए उनकी बात, भैया बुजुर्गों के पांव छूने में कोई हर्ज नहीं, पकड़ लो।